Welcome back to our channel, The Educational Hub. बच्चों आप हमारा चैनल The Educational Hub देख रहे हैं और आज हम एक और बहुत मजेदार टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। लेकिन अगर आपने थंबनेल में देखा होगा, सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं इस सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर के, बाइनरी नंबर को हम कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर की बात की, उसके अंदर हमने बाइनरी नंबर का इंट्रोडक्शन भी देखा और हमने ये भी सीखा कि हम बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बाइनरी नंबर को हम कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपनी आज की इस क्लास। तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दैट इज डबल 101 बेस 2 माइनस डबल 1। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो डबल 101 बेस 2 माइनस 101 बेस 2। तो बच्चों ये वीडियो भी हम इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। वीडियो की जिस नंबर आपको लगे कि आप बाइनरी नंबर के सबट्रैक्शन सीख चुके हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो आई होप आप ये वक्त की बात जरूर समझ आया होगा। शुरू करते हैं, तो 1 में से 1 सबट्रैक्ट किया बच्चों, तो वी गॉट 0, ठीक है, 0 बचेगा। 0 में से 1 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। अब जब हमने कैरी लिया तो ये 0 बन गया। अब बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमने इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया था, बाय मीन्स 2 बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मतलब 2 डिजिट होते हैं। तो अब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब 1 यहाँ कैरी लिया तो बेसिकली वो 1 नहीं होगा, वो 2 होगा। जो 1 कैरी आया वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। बच्चों इसी चीज़ को आपने सीखना है। तो जब 1 कैरी आया, अच्छा क्या मैं ऐसा रखो लिख सकता हूँ, नहीं मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर के अंदर 1 एंड 0 के अलावा कोई डिजिट हम यूज नहीं करते, तो हम कैसे कैरी देंगे। हमने तो कैरी देना है, वो ऐसे दे 1 एंड 1। तो बच्चों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सबट्रैक्शन के अंदर। यही आपने सीखना है कि जब आप एक कैरी लेंगे तो बेसिकली 1 नहीं बल्कि 2 के बराबर होगा, और आपने 2 को लिखकर कैसे 1 एंड 1। नाउ 1 में से 1 माइनस हो गया, पीछे 1 पॉइंट बचा, गेट 1, यहाँ 0 था एज इट इज आया एंड इधर 1 ऐसे ही था एज इट इज आ गया बेस। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, दैट इज 111 बेस 2 माइनस 11 बेस 2। नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट देम, 1 में से 1 सबट्रैक्ट 2 इज 0, वी विल गेट 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 में से 1 गया 0, सो वी डोंट राइट 0 इन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखते। सो लिहाजा 10 बेस 2 इज आवर आंसर। आई होप बच्चों आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहे, आई होप कि आप मुकम्मल तौर पर सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सीख लेंगे। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 बेस 2 0 1 एंड 1 बेस 2। चलिए वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें इस सवाल को खुद से हल करने की, खुद से सॉल्व करने की, और फिर हमारे आंसर के साथ उसको मैच करें। चलिए तो 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 एज इट इज हमारे पास आ गया बेस 2। तो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 111 बेस 2 आपको सबट्रैक्शन और बाइनरी नंबर समझ आ रहा होगा, आपको एक और क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा। आप जो इसकी सबट्रैक्शन को वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जैसे जैसे कैरी की बात आएगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अगले क्वेश्चन के अंदर कैरी के कॉन्सेप्ट को भी देखने वाले हैं। मूव डबल 1 0 एंड ट्रिपल 1 बेस 2 डबल 1 0 1 एंड 1 वी हैव टू सबट्रैक्ट देम। 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. Now, अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आया जो आपने समझना है। तो
देखें जीरो पे से माइनस नहीं हो सकता, क्या करेगा इस मंथ से कैरी देंगे, तो ये जो मंथ कैरी देगा तो ये खुद जीरो हो जाएगा। अब ये कैरी तो वन दे रहा है लेकिन बाइनरी में वन जैसे कि क्या किसके बराबर है, टू के बराबर, क्योंकि बाइनरी के अंदर क्या है दो डिजिट की हम बात करते हैं। तो अब ये जो कैरी देगा वो वन नहीं होगा बल्कि टू होगा, और टू को मैं लिखना कैसे, वन एंड वन एस, ठीक है। सो इस वन से ये माइनस वन कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, सो वी गेट वन, इधर जीरो एज इट इज आ रहा है, वन विल बी एज इट इज, दैट इज आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। Now going toward part number 6, 1 0 1 1 0 1 2 minus. Now 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1. Similarly, अब यहाँ पर response है तो देखिए अब ये सवाल इसके मुकाबले में थोड़ा सा तो दीजिए। अब ये 0 से कैरी लेगा, इसके बाद तो कुछ नहीं लेंगे, इससे कैरी लेगा तो ये जीरो हो गया, और जब इससे इसको कैरी किया तो कितने कैरी दिए बच्चों, दो कैरी दिए। अब ये चीज पढ़ चुके, इसका जो वन है वो इसके साथ होगा टू के बराबर, अगर ये टू का आपने क्यों नहीं लिखा तो वन एंड वन है ना। अब दोबारा देखिए, अब ये वन इसको कैरी देगा तो ये इसके बराबर होगा टू के बराबर, ये वन यहाँ पर इसको कैरी जब देगा तो ये हो जाएगा टू के बराबर। सो वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया तो वन हमारे पास बच गया, यहाँ से हमारे पास वन बचा, और जब स्टार्टिंग में जीरो आ जाता है तो कभी भी जीरो नहीं होती बच्चों। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10। सो वी वर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 1 0 0 1, एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट इट 1 0 बेस 2, वी शुड हैव टू मेंशन द बेस 2 बिकॉज़ वी आर वर्किंग इन बाइनरी सिस्टम। 1 minus 0 is 1, now again 0 में से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इधर कैरी देंगे, इससे जब कैरी दिया 0 रह गया, कैरी कितने के बराबर बच्चों, 2 के बराबर। अब ये 1 इसको कैरी देगा तो ये 2 के बराबर, now 1 minus 1, कुछ 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, एंड यहाँ 0, तो स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखते। सो दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, अरे डबल वन बेच टू, चलो बच्चों वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हमारे आंसर से उसको मैच करें। नाउ 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1, अगेन 1 minus 1 is 0, सो वी डोंट राइट 0 इन स्टार्टिंग, सो दैट इज आवर आंसर 1 1 1 बेच टू। नाउ कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 9, डबल 1 0 1 बेस 2, 1 0 1 2, बेस 2, 1 minus 0 is 1, अगेन 0 में समान सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी देंगे ये 0 बच गया, कैरी देंगे के बराबर 2 के बराबर, इसी से ये 1 कैंसिल हुआ, 1 हमारे पास है मेरी बचा, 0 minus 0 is 0 एंड 1 minus 1 is again 0, सो हमें स्टार्ट में 0 लिखने के लिए नहीं है बच्चों। सो दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Now, moving towards our last question of today's video, question number 10, that is double 1, base 2, 0 1, 0 1, base 2. Now, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, and 1 as it is. So that is our answer of question number 10. So I hope that you have a lot of benefit from today's video. Today's video is our exam. If you have any questions related to this or any topic related to any confusion, then you want to ask us. Our screen will be given to you. WhatsApp number is also you can tell us in the comment section. Tell us that today's video is how much benefit. If you have any benefit, then you will reach us. Our channel is our channel. अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर।